अगर मेरे को कोई बोलता है कि हाँ तू आसिम का भाई है, ये चीज़ है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। अननेसेसरी अगर आप किसी को पोक करोगे तो एक शरीफ इंसान भी जब शराफत छोड़ेगा तो फिर किसी को वो फिर सबसे डेडली हो जाएगा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप ये चीज देखो कि रितेश जब से आए हैं वो डिग्रेड ही कर रहे हैं। रितेश को लेकर भी आज काफी कुछ सुनने को मिल रहा है, तो व्हाट यू थिंक, ये एक और पब्लिसिटी स्टंट है कहीं ना कहीं राखी के लिए, या फिर राखी अगर इस सारी चीजों से अनअवेयर है तो ये आपको क्या लगता है गेम के हिसाब से कितना सही कितना गलत हो जाएगा? आपको सच में लगता है कि राखी इसके बारे में अनअवेयर होगी? ये कोई पॉइंट ही नहीं है कि राखी मतलब अपने हस्बैंड के बारे में कोई अनअवेयर हो ही नहीं सकता। तो ये जो भी है जैसा भी है, आई वुड से नेशनल टेलीविजन पे अगर लगता है कि हाँ एक बार इमेज ऐसी बन जाए उसके बाद क्लियर कर लोगे, सो इज अ वेरी बैड स्टेटमेंट, बिकॉज ये बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर जैसा तो दिखने में आ रहा है तो ऑब्वियसली पता लग रहा है कि ही इज नॉट हर हस्बैंड। तो अगर वैसा है तो ये जो भी हुआ है जैसा भी हुआ है बहुत ही अनफेयर है कि सिर्फ आप गेम के लिए। और आप ये चीज देखो कि रितेश जब से आए हैं वो डिग्रेड ही कर रहे हैं उमर को, राइट? वो टारगेट ही कर रहे हैं उमर को, और वो बड़े दिमाग, और वो राखी से जिस तरह से बात करते हैं मुझे पहले ही लगा था कि ये ऐसे हस्बैंड अपनी और भी 2 साल के बाद आया है तो प्यार होना चाहिए, वो वॉर्म्थ वाला फीलिंग होना चाहिए। पर जैसे नहीं, तू चुप कर, मैं तेरे से सो ऊपर हूँ, मैं तेरे से ये हूँ। राखी सावंत इज नॉट द पर्सन जो किसी की ऐसी बात सुने पहली बार। मैं उनको काफी सालों से देखा हूँ रियलिटी शोज में भी और टीवी पे भी, वो अपने हमेशा बात रखती हैं, चाहे अनरियलिस्टिक हो चाहे इलॉजिकल हो कुछ भी हो, बट वो बोलती हैं अपना पॉइंट। बट वो रितेश के सामने नहीं बोल रही हैं। आई वाज वेरी सरप्राइज, मुझे लगा नहीं पति हैं तो वो होते हैं ना पतिव्रता पत्नी, बट ये पतिव्रता पत्नी कुछ और ही निकल रहा है। वो पतिव्रता पत्नी शायद बाहर हो और ये कुछ और हो। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो भी इतना क्रिएट हुआ कि इतने साल के बाद बहुत बड़ी चीज है, राखी के पति सामने आए हैं, और अगर राखी के पति फेक सामने आए हैं तो फिर वो बहुत ही गलत है। ओके, जाते जाते मुझे सिर्फ एक और चीज आपसे जाननी थी कि जिस तरह से घर में कभी कभी ये भी देखा गया है कि जितना फैंस प्यार करते हैं, जितना सभी करते हैं प्यार, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं घर में भी नापतोल किया जाता है, कहीं कितनी बार ऐसा हुआ है कि फाइट के दौरान ऐसा हुआ है कि वो लोग आसिम का नाम ले लेते हैं कि आसिम की वजह से इनकी पहचान है, या जो भी इस तरह की चीजें बहुत सारी दिखी, लेकिन एक इंडिविजुअल पहचान भी उमर ने अपनी बखूबी बनाई है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सिर्फ यही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ यही बोलते हैं कि ही इज बिकॉज ऑफ आसिम, तो आपको ये क्या लगता है कितना सही स्टेटमेंट है लोगों का? आई गेस मैं आपको एक इस चीज पे एक चीज बोलूंगा, जो भी चीज फ्लरिश ज्यादा अच्छा करती है, चाहे वो डेली लाइफ में आप एक इंसान की बात कर लो या आप किसी एक प्रोफेशनल सेटअप में किसी कंपनी की बात कर लो या कुछ भी कर लो, तो कोई भी चीज जो ज्यादा फास्ट ग्रो करती है और ज्यादा मार्केट में अपना नाम बनाती है उस पे हमेशा उंगली उठती है। अब वो उंगली उठाने का कुछ भी रीजन हो सकता है, राइट? अब वो मैं आज बोलता हूँ कि कि आई एम दिस इंडिविजुअल, कि मैं आज बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो देयर विल बी 10 हेटर्स दैट आई विल हैव आउटसाइड, जो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरे को क्या वो इफेक्ट करनी चाहिए चीजें या नहीं करनी चाहिए। अगर मैं नहीं ले रहा हूँ चीजों को इन दैट नेगेटिव वे, तो इट डजंट इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड फॉर मी। तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ और मेरा भाई भी उस हिसाब से सोचता है। अब कोई बोले कि आसिम, हाँ आसिम हमारा भाई है जिसने इस पे अपना इतना ऐसा नाम बनाया है, उसकी वजह से हम इंट्रोड्यूस हुए हैं इस चीज पे। एंड अगर मेरे को कोई बोलता है कि हाँ तू आसिम का भाई है, ये चीज है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। अब बोलो कि उसके अगर स्टार्टिंग में जो चीज बोली थी अच्छा, तो अगर आज भी वही चीज आप बोल रहे हो कि आसिम की वजह, आसिम थोड़ी अंदर है उनको वो सिखाने के लिए और कान में बात बोलने के लिए, अब तू ये कर, अब तू ऐसा टास्क में कर, अब तू इतनी एनर्जी दिखा, अब तू ऐसा अपनी पर्सनैलिटी दिखा, तू ये बोल, तो वहाँ पे आसिम नहीं है। तो इट इज जस्ट उमर, उमर एंड उमर, राइट? तो बार बार आसिम 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 अगर बोलते भी रहोगे तो उस पर फर्क कुछ पड़ेगा नहीं उस इंसान को, क्योंकि वो इंसान आई वुड से सबसे ज्यादा हेड स्ट्रांग है पूरे घर पे, ठीक है? जो लाइफ और डेथ देखता है पूरे हर दिन, उसको अगर आप कोई छोटी छोटी चीजों से इरिटेट करोगे, पोक करोगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कल के एपिसोड में मैंने बहुत क्लियरली एक चीज देखी, जब वो फिर से प्रोफेशन पे आ गए और लाइव फीड का मैंने क्लिप देखा जहाँ पे वो बहुत टाइम से पोक कर रहा था, प्रतीक बहुत टाइम से पोक कर रहा था, डॉक्टर 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 उस चीज पे पोक कर रहा था। फिर मैंने एक बार उसको बोला, तूने LLB किया 5 साल, तू सिर्फ रियलिटी शो कर रहा है, उसके बाद तूने अपना प्रैक्टिस क्यों नहीं किया? लॉ प्रैक्टिस करते हैं, राइट? उसके बाद क्यों नहीं किया? तो किसी के प्रोफेशन, और फिर प्रतीक को बहुत बुरी बात लगी, फिर प्रतीक को बहुत ऐसा लग गया। तो फिर उतना ही बोलो जितना आप ले सकते हो, राइट? अननेसेसरी अगर आप किसी को पोक करोगे तो एक शरीफ इंसान भी जब शराफत छोड़ेगा तो फिर किसी को वो फिर सबसे डेडली हो जाएगा। तो आई गेस वही कल हुआ, और फिर प्रतीक साइड पे जाके वैसा हो गया, निशांत से कंप्लेन करने लगा। निशांत ने बोला कि उनको कोई तो बात की, हाँ वो जो कुंडी वाली बात, वो प्लीज वो नहीं लाओ। और उमर ने वो कभी वो बात लाई भी नहीं है, कल बोली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही पोक कर देता है, बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है प्रतीक, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक होता है। आधी से ज्यादा बातें मुझे प्रतीक की समझ नहीं आती है,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मतलब ऊपर देख के इधर देख के कुछ भी बोलता है. तो पहले मुझे प्रतीक ठीक लगते थे, बट अब प्रतीक जो जब से वीआईपी आए हैं तब से प्रतीक कुछ अलग प्रतीक हो गए हैं. और आज मैंने एक पोस्ट भी पढ़ा था आई गेस, यू नो कि प्रतीक का स्वीट साइड कहीं पे दिख रहा है, पता नहीं वो कहाँ पे दिख रहा है, बट हमारे को नहीं दिख रहा है एज अ व्यूअर्स का स्वीट साइड. हाँ, अगर वीआईपी की तरफ से बोल रहे हैं तो हाँ, वीआईपी ने वो ट्वीट किया तो हाँ दिख रहा है, बट मेरे को नहीं दिख रहा है उसका स्वीट साइड. लास्ट आपसे सिर्फ ये चाहूंगी कि जितने भी उमस को फैन सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए आप एक मैसेज जो देना चाहें, क्योंकि उनका प्यार तो बेशुमार दिखाई दे रहा है. हर एक दिन हम देखते हैं किसी ना किसी वजह से वो ट्रेंड करते हैं, गलत हो रहा होता है उनके साथ तो भी वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आवाज उठाते हैं. तो एक मैसेज जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे. आई गेस फैंस के लिए मैं मैसेज, हर एक मैसेज छोटा पड़ेगा, बिकॉज हर दिन ट्रेंड करना किसी को इज नॉट अ स्मॉल थिंग. क्योंकि अब हर किसी का डेली लाइफ में 1000 काम होते हैं, बट उसके बावजूद सब लोग मिलके वो ट्रेंडिंग लिस्ट में वो उनका ट्रेंड हर दिन में लाना इज कमेंडेबल. आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू नो उमर आर्मी जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल द सेलिब हैंडल्स आल्सो जो भी ट्वीट करते हैं उमर के लिए. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड यू नो कि ही हैज क्रिएटेड दैट इम्पैक्ट, कि सब लोगों को एक वो लग रहा है कि हाँ कि हमारे को इस इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसान रियल है. और यू नो ये इंसान हमारे लिए वो वहां पे यू नो एज अ कॉमनर रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक सेलिब्रिटी में उन सब सेलिब्रिटीज में यू नो वो प्रूव कर रहा है कि यू नो कि आई एम स्मार्टर देन दीज पीपल. और आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नो यू गाइस इन उमर आर्मी, द वंस हु आर जॉइनिंग. यू नो आई सी सो मेनी ट्वीट्स एवरी डे कि नाउ वी आर लिविंग दिस फैंडम, कैन वी जॉइन उमर आर्मी एंड दिस एंड दैट. तो वो बहुत ही अच्छा लगता है देख के. और मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं, इतनी चीजें होती हैं कि यू नो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कितना मेकर साइडलाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट आई गेस दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम. अब वो जैसा भी है वो, बट लास्ट में तो वही होगा यू नो, जो अच्छा है, जो जेन्युइनली डिजर्व करता है, जिसको जनता सपोर्ट करती है वही जीतेगा. और अगर अभी के हिसाब से जो हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो हमारे को तो दिख रहा है कि किसको जनता सपोर्ट करती है. तो इसमें आई गेस वेरी 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 थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन हु इज सपोर्टिंग, एंड आई होप दैट एवरीवन सपोर्टिंग टिल द एंड.